नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आज मैं बात करूंगा दुनिया के उस दृष्टि बाधित व्यक्ति के बारे में। 339 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कार चलाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है। हालांकि दृष्टि बाधित द्वारा कार चलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का ये पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी 2008 में फ्रांस में ट्रायल के दौरान एक ब्लाइंड ने कार चलाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। उसके बाद 2011 में अमेरिका में भी इस तरह का विश्व रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है। लेकिन पहले जितनी बार भी ब्लाइंड ने कार चलाकर ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए उसमें नॉर्मल पर्सन का सहयोग रहा। कार रेसिंग के दौरान एक नॉर्मल पर्सन की सहायता जीपीएस सिस्टम के साथ ली गई और उसके गाइडेंस पर, उसके मार्गदर्शन पर ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित हो सके। लेकिन इस बार जिस दृष्टि बाधित ने ये कारनामा किया उसने पूरी तरह से जीपीएस सिस्टम, कैमरे, सेंसर्स की सहायता से ये विश्व रिकॉर्ड 31 मार्च 2022 को स्थापित किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डैन पार्कर की, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने 51 वर्ष की उम्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। डैन पार्कर बचपन से ब्लाइंड नहीं थे। जब वो 41 वर्ष की उम्र के थे तब एक कार दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी चर्चा की। पार्कर has been racing all of his life, even after the crash 10 years ago that left him blind, a fiery collision with a concrete wall at 175 miles an hour. When they brought me out of the coma, the doctor said, "What do you see?" I say nothing. Independence training from the Louisiana Center for the Blind taught him many things and made him realize he can race again. Now with a specially equipped car, he plans to break a big record at the New Mexico Spaceport this week. We are trying to break a Guinness World Record, and the current world record, which is fastest speed achieved by a car driven blindfolded, is, I believe, 200.51 miles per hour. डैन पार्कर को बचपन से ही कार रेसिंग, बाइक रेसिंग का शौक था और इसी शौक के चलते एक दिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई। डैन पार्कर जब 41 वर्ष के थे तब उन्होंने एक कार रेसिंग में हिस्सा लिया। उनकी कार 175 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। कार का संतुलन बिगड़ा और कार किसी दीवार से जाकर टकरा गई। कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसी दुर्घटना का शिकार डैन पार्कर भी हुए। वे 2 हफ्ता आईसीयू में रहे, कोमा में चले गए थे। जब कोमा से बाहर निकले तब तक उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। बाद में काफी प्रयास भी किए गए लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं लौट सकी। इसके बाद भी डैन पार्कर ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। जिस कार्य के लिए वो जाने जाते थे, अपनी पहचान बनाई, उस कार्य में फिर से लगे। डैन पार्कर जब हाई स्कूल में थे तभी उन्होंने किराए पर एक शॉप ली और कार बनाने, बाइक बनाने का कार्य शुरू किया। रेसिंग कार और बाइक डिजाइन का कार्य वो करते थे। जॉर्डन में उन्होंने अपनी कंपनी पार्कर चेसिस के नाम से स्थापित की। बाद में उसका विस्तार किया गया, काफी
पॉपुलर उस कंपनी के माध्यम से पार्कर हुए। दृष्टिबाधित होने के बाद भी पार्कर ने उसी कार्य को जारी रखा, अपने कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन पढ़ाई को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पढ़ाई भी वो करते रहे। उन्होंने लुईस सेंट ऑफ द ब्लाइंड से ग्रेजुएशन किया। 2011 में कार रेसिंग का विश्व रिकॉर्ड एक और दृष्टिबाधित ने बनाया था, जो कि आजकल एनएपी के वो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है मार्क रिको बोनो। इन्होंने पहली बार 2011 में एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड कार चलाने का बनाया। मार्क वर्तमान में नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और ये संस्था प्रतिवर्ष कार रेसिंग का आयोजन करती है। इसके विषय में भी एक इंटरव्यू के दौरान डैन पार्कर ने कुछ इस तरह से बताया। The National Federation of the Blind says it'll be one way to prove blind people can do anything, especially in the dawn of self-driving vehicles. He has designed the vehicle himself and worked with engineers to design an audio guidance system, among other things, that will allow him to navigate the vehicle safely. डैन पार्कर ने जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया उसकी सफलता के पीछे बड़ा सहयोग एनएफबी का रहा। इसी के माध्यम से एक खास डिवाइस ऑडियो गाइडेंस के लिए तैयार की गई, जो कि पूरी तरह से सेंसर्स और जीपीएस सिस्टम पर आधारित थी। डेनियल कार्टर, जिन्हें पार्कर अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने और उनके इंजीनियर्स टीम ने इस डिवाइस को पार्कर के मन मुताबिक तैयार किया, और यही कारण था कि कई मायनों में ये विश्व रिकॉर्ड पूर्व में जो विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुए उनसे अलग है। पहली बार कार को आबादी क्षेत्र में भी चलाया गया। मेक्सिको के सड़कों पर सर्वाधिक रफ्तार के साथ सर्वाधिक दूरी भी इस बार तय की गई। आर्थिक रूप से मदद की जहां तक बात है तो नेशनल फेडरेशन ने ही मदद की। नेशनल फेडरेशन विगत दो दशक से, लगभग 11 महीने से कार रेसिंग का आयोजन करवा रही है, और प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में दृष्टिबाधित इस कार रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। प्रतिवर्ष एक नई उपलब्धि लिखी जाती है। 2011 में पहली बार मार्क रिको बोनो ने कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि वर्तमान में मैंने ऊपर बताया कि वो एनएपी के प्रेसिडेंट हैं। एनएपी आज की तारीख में ब्लाइंड के लिए काम करने वाली संस्थाओं में सर्वाधिक धनी संस्था है, अमीर संस्था है। साथ साथ ये संस्था पुरानी संस्था भी है, जहां तक मुझे जानकारी है 1921 या 25 में इसकी स्थापना हुई, और आरंभिक दौर में हेलेन केलर भी इससे जुड़ी रही, जिसके माध्यम से संस्था के लिए सर्वाधिक धन भी अर्जित उस दौर में किया गया। बाद में हेलेन केलर के मतभेद हो गए, उन्होंने अपनी अलग संस्था स्थापित की, लेकिन वो ताउम्र इस संस्था से भी जुड़ी गई। उसके बाद भी कई ऐसे दृष्टिबाधित शख्सियत इस संस्था से जुड़ी रही, जिनका सहयोग भी एनएफबी को मिला। वर्तमान की बात करें तो
पूर्व गवर्नर डेविडसन और उद्योगपति माइकल हेस भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी मदद संस्था को इनके माध्यम से मिलती है। और यही कारण है कि आज की तारीख में ये सबसे अमीर संस्थाओं में इसकी गिनती होती है। यही संस्था लगातार कार्य दृष्टिबाधितों के लिए कर रही है, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। कार रेसिंग का कार्यक्रम 2011 से इसके द्वारा चलाया जा रहा है और 2013 में 262 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से विश्व रिकॉर्ड कार रेसिंग में बनाया, और ये रिकॉर्ड भी डेन पार्कर के नाम था। बाद में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। 2017 से उन्होंने अपने प्रयास और भी तेज कर दिए। इसके अतिरिक्त खास बात यह भी है कि 31 मार्च 2012 को डेन पार्कर के साथ दुर्घटना घटी और 31 मार्च 2022 को उन्होंने ये विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। NAP की सहायता से कई ऐसी डिवाइस एप्लीकेशन अमेरिका में तैयार की गई है, जिसका महत्वपूर्ण जो है सहयोग NAP की तरफ से रहा, और उनकी मदद से दृष्टिबाधित अपने कार्यों को, अपनी एजुकेशन को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो ये थे डेन पार्कर, जिनके विषय में जो जानकारी मैंने इकट्ठा की वो यहाँ पर रखी।